हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ वीडियो। एंड कैसे तुम लोग? आई एम मतलब सॉरी, कितने बार इंट्रो करेगा ऋषभ तू? कितने बार मतलब कितने ही बार करेगा भाई तू? सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम लोग रोस्ट करने वाले हैं, वो तुम लोग को नहीं बताऊंगा। तुम लोग थंबनेल और टाइटल में देख के आए हो ना। सिंचन जरा बता इनको, आज किस पर रोस्ट करने वाले हैं? आज तो बहुत ही मिडिल क्लास मोटिवेशनल रीलर का दोस्त होने वाला है। अब तुम ही लोग नाम ही सोच लो, इसी हिसाब से तुम लोग नाम सोच लो। माइक थोड़ा पास आ जा भाई, एक तो आवाज़ इतनी है। सो उसी हिसाब से तुम लोग नाम सोचो एंड लेट्स गेट इन डू इट। हाँ, सो ये है वो शख्स। इसी शख्स का नाम है शिवम मलिक। दिस इज द मिडिल क्लास मोटिवेशनल रीलर। अब इसी बात पे तालियां ठोको। थोड़ा माइक दूर हो जा, सॉरी थोड़ा फूकने वूकने का आवाज आएगा तो आई एम रियली सॉरी। सो इसका थोड़े बहुत वीडियो देखते हैं और दिमाग में थोड़ा बहुत क्रिंज फैलाते हैं। लेट्स गो। ध्यान से सुनना। एक सेकंड बेटा, हम सुने ही क्यों ध्यान से जब हमें सुनना ही नहीं है? तू तो बोलना ही छोड़ दे या फिर चैनल बंद कर दे। अब कंटेंट के लिए तो सुनना ही पड़ेगा, तो ठीक है आगे भी सुनते हैं। थोड़ा चेंज आ सकता है, मैटर नहीं करता कितनी भी ब्राइट स्किन है आपके पास, अंधेरे में आपको लाइट की जरूरत। हाँ, लाइट की जरूरत तो पड़ेगी। अगर अगर लाइट गोल हो गया तो हम मोमबत्ती जला सकते हैं। हाँ तो लाइट की तो जरूरत पड़नी है ना भाई, तो इसमें कौन सी मोटिवेशनल की बात? तू तो ये तू तो हमें टिप्स दे रहा है कि हमें लाइट गोल होने पर क्या क्या करना चाहिए भाई। थैंक यू भाई, बिग ब्रेन है अपने अपने पास, ऑलरेडी बिग ब्रेन है। जरूर पड़ी, मैटर नहीं करता आप कितने बड़े हो। हाँ हमें भी मैटर नहीं करता हम कितने बड़े हैं, हमें ये मैटर करना है हम कितने स्मार्ट हैं, दैट मैटर्स। अब तो आगे भी बता। मेरे को स्ट्रांग से भी कोई मतलब नहीं पड़ता भाई, स्मार्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब ग्रेवयार्ड पे जाओगे तो आप खुद को नहीं ले जा। एक मिनट, अब ग्रेवयार्ड से और स्ट्रॉन्ग और अपने एज अपने उससे क्या मतलब? मतलब कुछ भी मतलब है, बोलना क्या चाह रहा भाई तू? मैटर नहीं करता कि आप कितने हैंडसम और ब्यूटीफुल हो। हाँ हैंडसम और ब्यूटीफुल बनना भी नहीं है भाई हमें, हमें तो यूट्यूबर बनना है, बिग ब्रेन ब्रो। याद रखना जो बैलून्स होते हैं और जो गोरिल्लाज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को हमेशा। हम तो नहीं होते भाई, हम कहीं भी जाते हैं हम कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं 9 साल के। जो तू होगा लगता तो नहीं है लेकिन होना तो चाहिए भाई तेरे को, क्योंकि तू ऐसी बात करता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों सिर्फ एक चीज़ याद रखना, जिंदगी ना हम याद ही क्यों रखें जब हमें ये चीज़ मालूम है। वो भाई याद क्यों रखना जब हमें ये चीज़ मालूम है कि डबल याद करने से क्या ज़िंदगी और अच्छी बन जाएगी जो हमारी पहले से हो रखी है। वो छोटी है, इसे आराम से शांति में जीना है। कई को मस्ती में कई को नहीं जाएंगे, शांति में कई को जाएंगे भाई, हम मस्ती में जाएंगे। ढिंचक 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 पिया। आज मिट्टी के ऊपर है कल मिट्टी के नीचे भी हो सकता है। अच्छा बेटा, तो तू हमें बताएगा हमारी फ्यूचर। इन बातों को ध्यान से। एक सेकेंड, मतलब बोले तो शाबाश। सो अभी मैंने ये वीडियो तो देख ही लिया, अब इसके और भी वीडियो देखते हैं इसके चैनल पे जाके। इन दस ओ रुक जा भाई, रुक जा। हाँ भाई चलो देखते हैं इसके कितने भाई शॉर्ट्स के अलावा कुछ नहीं बनाता और ऊपर से खुद रीलर है। बोले तो बिल्कुल अजीब। भाई चलिए देखते हैं। आप कितने साल के थे जब आपको ये बातें पता थी? हमें तो ये बातें अभी भी नहीं पता होगी भाई, तू क्या बोलता तू और हम क्या समझते हैं वो तो तू भी नहीं जानता। अब इसके बारे में तू क्या बोलेगा अब तू ही जान। कि जो आइसलैंड है वो ग्रीनरी आइलैंड है। हैं,
ये बात तुम्हें को बचपन से पता है भैया, हम ये तो हमें क्लास 3 में पढ़ाते हैं, तू अभी बता रहा है इस एज में। और जो ग्रीनलैंड है वो आइसलैंड है जो, इसका दिमाग उल्टा है या फिर ये खुद उल्टा है, बातें भी उल्टी करता है दिमाग भी इसका उल्टा है। जो चीजें कार से जाती हैं उसे हम शिपमेंट बोलते हैं। देखो ये बात अभी पता चल रही है, मैं तो बचपन से पती थी, पता था। और जो चीजें शिप से भेज, ये ऐसी चीजें जिसको कार्गो बोलते हैं, ये तो हमें बचपन क्लास 2 में दिखाया जाता था और मूवी में भी देख सकते थे। जैसे अभी रॉकी भाई कार्गो प्लेन में गए थे एंड बूम, पता है भाई काई को बता रहा है। अगर आप डब्ल्यू को टी से रिप्लेस कर दो क्वेश्चंस में वेयर व्हाट व्हेन, तो आंसर्स में देयर डेट देन होगा। हाँ बचपन से पता है तू, अभी देखो तेरे को अभी पता चल रहा है, हमें तो बचपन से पता था क्योंकि तू तो गधा है। अभी रुको और सुना भाई, तुम लोग आप कितने साल हो गया भाई, ये बस इसका वीडियो रिपीट होता है और इतनी छोटी वीडियो बनाता है जिससे हमें कोई पल्ले नहीं पड़ता। जैसे ये मैं तो कभी कभी शॉर्ट देख भी लेता हूँ, आता है स्वाइप स्वाइप अप भाई, देखना ही नहीं है, मतलब मिडिल क्लास सर क्या बोलते उसको, मिडिल क्लास वैल्यूएशन रीडर को भाई देखना ही नहीं है, मतलब उससे तो मैं संदीप महेश्वरी ना देख लूँ, सॉरी कॉपीराइट आ जाएगा भाई, नहीं बोलना चाहिए था। चलो और देखते हैं अब क्या बोलना चाहेगा भाई तू। इंडिया का फर्स्ट आधार कार्ड होल्डर रंजना सुना, इंडिया का फर्स्ट 5-स्टार, ये तो नहीं पता था भाई, ये इसके लिए थैंक यू भाई। क्या बंदा है भाई, मुंबई में रहने वाले को बचपन से पता रहता है कि इंडिया का फर्स्ट 5-स्टार होटल ये है। भाई मतलब बोले तो कतई शाबाश। चलो ठीक है गाइस, अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, आज के लिए बस इतना, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।